दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि इविल सुनोमैन गुप्ता जी का पीछा कर रहा था, इसलिए गुप्ता जी उससे बचने के लिए इविल सुनोमैन पर डंडे से वार करते हैं और कहीं छिप जाते हैं। पर इविल सुनोमैन गुप्ता जी को देख लेता है और उन पर हमला करने वाला होता है। तभी मिश्रा जी कार से इविल सुनोमैन को कुचल देता है। इविल सुनोमैन के मरते ही गुप्ता जी और मिश्रा जी वापस रमेश का घर आते हैं और वहाँ क्रिसमस की तैयारी करने लगते हैं। पर गुप्ता जी और मिश्रा जी को मारने के लिए पागल फिर से इविल सुनोमैन भेजता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी क्रिसमस का तैयारी कर लेते हैं, पर तभी मिश्रा जी का बनाया हुआ सुनोमैन जिंदा हो जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। ये कैसे संभव है? इसे तो मिश्रा जी ने कार से कुचल दिया था और वह उसी समय मारा गया था, तो फिर ये वापस से जिंदा कैसे हो गया? सभी सुनोमैन को देखकर डर गए थे, इसलिए सभी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर भागने का सोचता है। पर तभी सुनोमैन सबको धमकी देता है, यदि तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो यह बर्फीला इलाका छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे डरता नहीं। नहीं गए तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मार कर खा जाऊंगा। गुप्ता जी देखते हैं कि सुनोमैन बार बार सबको यहाँ से भागने को बोल रहा है, पर क्यों उन्हें नहीं पता होता है। सुनोमैन, हम सब यहाँ से नहीं जाएंगे और तुम अकेले हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। दोस्तों, हम सब मिलकर इस इविल सुनोमैन का अंत कर सकते हैं। गुप्ता जी के बोलने पर पागल आग बबूला हो जाता है, जिसके बाद वह सुनोमैन को इशारा करता है। पागल का इशारा मिलते ही सुनोमैन गुप्ता जी के पास आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। इविल सुनोमैन के वार से गुप्ता जी नीचे गिर जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग डर जाते हैं। यदि कोई भी इसकी बात सुनने की कोशिश की तो इसके साथ तुम सब भी मरोगे। नहीं, कोई भी इससे डरो मत, ये अकेला किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुप्ता जी के आवाज उठाने पर सुनोमैन फुल गुस्सा में आ जाता है, जिसके बाद वह फिर से गुप्ता जी पर हमला करता है। गुप्ता जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा। मैं भी नहीं भागूंगा। मैं भी गुप्ता जी के साथ हूँ। सभी लोग गुप्ता जी के साथ आ जाते हैं, जिसके बाद पागल गुस्सा से आग बबूला हो जाता है। गुप्ता जी, लगता है तुम्हारी मौत इविल स्नोमैन से ही होगी। गुप्ता जी, अब तुम मरोगे और तुम्हारा मांस खाने में मुझे बहुत मजा आएगा। सुनोमैन अपने नाखून से जैसे ही गुप्ता जी पर हमला करता है, पर तभी कोई मिसाइल से सुनोमैन पर हमला कर देता है। दोस्तों, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है, जिसका नाम गुप्ता जी भूतिया कहानी है, जिसमें बहुत जल्द पहली वीडियो आएगी। इसलिए जिसने भी अभी तक न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये क्या हुआ? अचानक किसने मिसाइल चलाई? सुनोमैन पर अचानक किसने मिसाइल चलाई? गुप्ता जी उठकर देखते हैं तो उन्हें पीछे मिश्रा जी दिखाई पड़ता है, जो अपने हाथ में मिसाइल लिए हुए था। अरे वाह मिश्रा जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इविल सुनोमैन को मिसाइल से उड़ा दिया। गुप्ता जी, मेरे रहते इविल सुनोमैन का बच्चा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो तो है मिश्रा जी, तुम्हारे रहते मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गुप्ता जी और मिश्रा जी बात कर रहे होते हैं, पर तभी इविल सुनोमैन उड़ जाता है और गुप्ता जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी कोई उसके पीछे से उस पर वार करता है। इविल सुनोमैन के चिल्लाने पर गुप्ता जी और मिश्रा जी देखते हैं कि पागल ने पीछे से इविल सुनोमैन को मार दिया है। पागल के द्वारा इविल सुनोमैन मारा गया था, इसलिए सभी पागल को शाबाशी देने लगते हैं। अरे वाह, तुमने तो इविल सुनोमैन को मार दिया, बहुत खूब। गुप्ता जी, मैंने कहा था ना यहाँ इविल सुनोमैन है, पर तुम्हें एक और राज की बात मैं बताता हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? कौन सी राज की बात? साफ साफ बताओ। राज की बात यह है कि इविल सुनोमैन का अंत नहीं हुआ है, वो फिर आएगा और यहाँ के लोगों को मारेगा। इविल सुनोमैन तो यहाँ मरा पड़ा है, तो फिर अब कहाँ से आएगा इविल सुनोमैन? मुझे पता है इविल सुनोमैन कहाँ से आएगा, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो कहाँ पर रहता है। ये पागल नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो बोला था वो सच में था, मतलब इसे बहुत कुछ पता है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए।
ठीक है चलो हमें दिखाओ, मैं और मिश्रा जी उन सभी इविल स्नोमैन को मार देंगे, फिर उसके बाद हम सभी एक साथ क्रिसमस पार्टी करेंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी पागल के साथ जाने को मान जाते हैं, जिसके बाद पागल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, मैं यही चाहता था, तुम मेरे साथ लैब चलो, फिर मैं तुम्हें वहाँ मार डालूंगा। इविल स्नोमैन का अंत करने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी पागल के साथ जाने लगते हैं, पर पागल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। गुप्ता जी, ये पागल को इतना कुछ कैसे पता है, जबकि और भी यहाँ लोग रहते हैं, उसे तो कुछ भी पता नहीं है, कहीं ये पागल बनकर हमें पागल तो नहीं बना रहा है। मिश्रा जी, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, मुझे भी इस पागल पर डाउट हो रहा है, पर इसने मेरी जान बचाई है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत कंफ्यूज थे कि पागल को इतना कुछ कैसे पता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे इविल स्नोमैन रहता है। यदि तुमको इविल स्नोमैन देखना है तो तुम्हें अकेले यहाँ से जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं और मिश्रा जी उसका पूरी तरीके से अंत कर देंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी को लैब की तरफ जाता देख पागल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह गुप्ता जी और मिश्रा जी को फंसा दिया था। गुप्ता जी और मिश्रा जी, अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है, क्योंकि मेरा बनाया हुआ कई इविल स्नोमैन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उधर लैब में इंजीनियर सभी इविल स्नोमैन को एक्टिव कर देता है, क्योंकि उससे पता चल गया था कि गुप्ता जी और मिश्रा जी इधर ही आ रहा है। सभी इविल स्नोमैन के एक्टिव होते ही वहाँ इविल स्नोमैन खूब चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों, क्या मिश्रा जी और गुप्ता जी अकेले इतने इविल स्नोमैन का मुकाबला कर पाएंगे? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।